ये हमने पिछले क्लास में भी किया था और ये पिछले क्लास का होमवर्क दिया हुआ है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो विशाल आप बताओ, आपने किया ये काम? बोलो किसने किया है? गुड इवनिंग के वक्त तो एकदम जोर से बोलते हो, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर। फिर जब मैं बोलता हूँ किसने किया है, फिर चुपचाप बैठ जाते हो, कोई माइक ही नहीं ऑन करता है। कौन बताएगा? करो इसको, करो कन्वर्ट। 5 करोड़ को इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट करके बताओ क्या नंबर होगा। चलो एक एक करके करो अपना, जल्दी से वीडियो ऑन करेंगे ना। बताओ नेहा। नहीं, अपने ऑन माइक करना नहीं आता है क्या? बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या बोल रहे। नहीं, सर इसमें 7 0 होंगे। जितने भी जीरो हैं, पहले 5 करोड़ में कितने जीरो, कितने तुमने कहा? 8 जीरो। नो सर, 7। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा ये कौन बोल रहे हैं? नेहा नहीं है? मैम, हम सर हम बोल रहे हैं। कौन? हम का नाम बताओ। मैम सर रियांश। रियांश ने बोला 7 जीरो होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखते हैं पहले क्या ये करेक्ट है कि नहीं। कैसे चेक करोगे? कैसे चेक करोगे कि ये 5 करोड़ है? सर मेरी हमारी मैम सर ने बताया था कि 5 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, तो सर इसी से मुझे पता है कि 5 करोड़ में कितने जीरो होते हैं। नहीं तो मैम ने क्या बोला था? सर मैम हमें नहीं पढ़ाते। नहीं, मैम क्या बोला क्या था कि जो हमने हमने जो क्लास में लास्ट टाइम पढ़ा था उसमें क्या समझ में आया आपको? जब मैंने कहा कि आपको कोई नंबर पढ़ना है तो क्या करना चाहिए, कैसे पता चलेगा ये 5 करोड़? सर आपने करवाया था पर याद नहीं आ रहा। नहीं, क्या करवाया था? सर याद नहीं आ रहा आपने पर करवाया था। इसका मतलब आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से आप सुनते नहीं हो। सर नहीं सर मुझे याद, पर मुझे याद नहीं आ रहा है ना इसलिए सर। 4 मिलियन 100 मैंने आपको कहा था कि उसमें कॉमा लगाना चाहिए पहले, तो कॉमा लगा के देखो। जब आप कॉमा लगाओगे उससे आपको पता चलेगा कि ये मैं ठीक कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। कॉमा कहाँ पे लगेगा? सर 3 3 के बाद लगेगा क्यों? 3 3 के बाद क्यों लगेगा? सर, क्योंकि सर ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। करोड़ इंटरनेशनल सिस्टम होता है? नो सर, तो फिर क्या आप बोल रहे हो? इंटरनेशनल सिस्टम,
हमने पहले ये जो है इसको पहले ये नंबर लिखना है, ये तो आपने लिखा, पहले आप देखो कि क्या मैंने ठीक लिखा या गलत लिखा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 5 करोड़। करोड़ कौन से सिस्टम में आता है? सर इंडियन। अगर इंडियन सिस्टम में आता है तो कॉमा कैसे लगेगा? 3, 2, 2। थ्री के बाद कॉमा लगाओ यहाँ पे, फिर दो के बाद, फिर दो के बाद। तो अब जरा चेक करते हैं क्या ये 5 करोड़ है। तो पहला ग्रुप ये तो 100 का है, फिर ये दो जो है ये कौन से, इसका ग्रुप का नाम क्या है? 1000। वेरी गुड। उसके बाद जो दो है इस ग्रुप का क्या नाम है? सर शायद सर मिलियन होगा शायद। मिलियन इंडियन सिस्टम में थोड़ी ना होगा, लाख होगा, इंटरनेशनल होता है। मिलियन, मिलियन और बिलियन तो इंटरनेशनल सिस्टम में, हमने इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, लेकिन पहले तो हम, पहले हम देखें क्या हमने 5 करोड़ जो मैंने यहाँ वर्ड्स में लिखा था उसको आपने फिगर में जो ये लिखा है क्या ये सही लिखा है या नहीं, तब उसके बाद हम इसको इंटरनेशनल में बदलेंगे। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडियन सिस्टम में 1000 के बाद जो ग्रुप आएगा उसको हम बोलते हैं लैक, और लैक के बाद जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं करोड़। अगर अब हम देखेंगे इस ग्रुप में कितना आपने लिखा है, 5, तो 5 करोड़, और बाकी तो सारा जीरो है। इसका मतलब है आपने सही लिखा है, 5 करोड़ में 5 के बाद 7 जीरो ही होंगे। आपने बोल तो दिया सही, लेकिन बाद में आपको ध्यान नहीं है कि मैंने 7 जीरो बोल दिया तो क्यों बोला। सर मैं कॉमा लगाना, मैं कभी कभार कॉमा लगाना भूल जाता हूँ इसलिए। नहीं, कॉमा लगाना तो सबसे इम्पोर्टेंट, जीरो लगा दिए, जब कॉमा लगाओगे ही नहीं तो उनको नंबर को पढ़ना मुश्किल है, पढ़ नहीं पाओगे इसीलिए। और जब कॉमा लगाना है तो आपको पहले देखना है किस सिस्टम में लगाना है। अब क्योंकि 5 करोड़ लिखा है तो इसका पता चल गया, करोड़ वर्ड से पता चल गया ये इंडियन सिस्टम है, और इंडियन सिस्टम में 3, 2 और 2 के बाद कॉमा होता है। फिर आप देखो कि क्या जो मैंने नंबर लिखा है वो सही है। हाँ, ये 100 का ग्रुप है, ये 1000 का, ये लैक का, ये करोड़ का, 5 करोड़, इसका मतलब आपने सही लिखा है। अब इस जो ये जो नंबर है 5 करोड़, इसको अब आप इंटरनेशनल सिस्टम में लिखो, ये होमवर्क था। अब मुझे बताओ इसको जब हम इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ेंगे तो क्या नंबर बनेगा? ये शाबाश, कौन बताएगा? चलो कृष्णा बताएगा। कृष्णा आपने पिछली क्लास ज्वाइन किया था? तो सर आप मुझे ये नंबर बताओ इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होगा? 500 मिलियन। कैसे सर? मेरे को नहीं मालूम, मैं अभी ज्वाइन नहीं था, अभी ज्वाइन हो गया मैं। नहीं तो फिर कैसे आप सीखोगे? अगर एक जो कभी एब्सेंट होगे, कभी आओगे, कभी नहीं आओगे, तो फिर आगे कैसे सीखोगे? मैं बार बार थोड़ी ना रिपीट करूंगा, फिर तो आपका मिस हो गया, अब आपको समझ नहीं आएगा।
मैं ये चीज बार बार नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने आगे आप लोगों को आगे टॉपिक्स डिफरेंट टॉपिक्स पे पढ़ाना है, अभी तो नंबर सिस्टम पे ही हम आगे चल नहीं पा रहे। कौन बताएगा? विशाल बताएगा, बताओ। यस सर। हाँ बताओ, ये जो नंबर लिखा हुआ है 5 करोड़ जो हमने लिखा, इसको इंटरनेशनल सिस्टम में हम अगर पढ़ेंगे तो क्या नंबर बन जाएगा? सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं दिखाई दे रहा है आपके वहां, या तो स्पीड कम हो गया होगा, बाकी को दिखाई दे रहा है सर। मैं सर 500 लाख 500 लाख इंटरनेशनल सिस्टम में होता है, लाख तो इंटरनेशनल सिस्टम में होता ही नहीं है सर। वो 500 मिलियन नहीं, 500 मिलियन भी नहीं है। कैसे आपने कैसे बताया कि ये 500 मिलियन है सर? ये देखिए वो तीन नंबर्स, उसके बाद उस तीन नंबर्स, उसके बाद कोमा, और उसके बाद तीन नंबर्स, उसके बाद कॉमा। हाँ तो लगाओ, देखो अभी जो हमने कॉमा लगाए हैं वो तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से लगाए हैं, क्योंकि हमने 50 करोड़ को ऐसे लिखा। अब हमें अगर इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ना है तो हमारे को पहले कॉमा मिटाने चाहिए। अब मैं कॉमा में देखो, नंबर वही है, नंबर को मैंने मिटाया नहीं, नंबर तो सेम लिखा मैंने, सिर्फ कॉमा ग्रुप्स को मिटा दिया। अब मेरे को इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, तो इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा कहाँ पे लगते हैं? विशाल बताएगा सर। 3 नंबर के बाद, फिर 3 नंबर के बाद, फिर 3। थ्री डिजिट के बाद। हाँ तो 3 के बाद कॉमा लगाओ, 1 कॉमा यहाँ लग गया, फिर से 3 यहाँ लग गया, और उसके बाद यहाँ। अब इसको हम इसके ग्रुप्स नेम लगाएंगे, पहला तो 100, फिर 1000, उसके बाद 50 मिलियन। वो सर 50 मिलियन। हाँ देखा, अब गलती क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपने कॉमा ठीक से लगाया, तो ये बन गया 50 मिलियन। ये सब ये समझ में आया सबों को? यस सर। रियांश अब समझ? यस सर मुझे समझ में आ गया। रियांश समझ में? यस सर समझ में आ गया। कृष्णा आपको समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. नहीं समझ नहीं आया तो बोलो नहीं आया। यस सर यस सर नहीं करना है? समझ में आया? यस सर। तो ये जो सवाल था, एक साइड से मैंने कोई भी सिस्टम लिखा है और दूसरी साइड से दूसरा सिस्टम लिखा है। अगर मैंने यहाँ इंडियन सिस्टम लिखा है तो पहले आपको इस नंबर को इंडियन सिस्टम में लिखना है। वो कैसे लिखोगे? कॉमा ग्रुप्स बना के। ओके सर। उसके बाद जब दूसरे सिस्टम में हमने पढ़ना है तो इस कॉमा को मिटाना है और इस वाले सिस्टम के मुताबिक कॉमा लगानी है और फिर नंबर को पढ़ना है, फिर कभी गलती नहीं होगी। अब जैसे मान लो ये वाला है। यस सर। अब ये वाला जो नंबर है ये इंटरनेशनल सिस्टम है और हमें इसे इंडियन में करना है। हाँ इसको हमने इंडियन में लिखना है, तो पहले ये जो नंबर है इसको पहले फिगर में लिखते हैं। क्या है नंबर? 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़।
तो पहले हमें नंबर को लिखना है, नंबर क्या लिखा हुआ है? 400,000 हाँ, तो लिखो लिखो जरा 400,000 लिखो कॉपी में ऊपर, कितने जीरो होंगे? सर पांच। ओके सर। किसने का पांच जीरो? सर मेरी बहन ने कहा था। नहीं तो बहन तो, बहन तो दूसरी क्लास में नहीं पढ़ रही है? यस सर, सर लेवल सिक्स में पढ़ रही है। हाँ तो फिर आप अपना दिमाग लगाओ, बहन को बोलो मेरे को हेल्प नहीं करो, क्योंकि फिर तो फायदा नहीं, फिर तो आपने सीखा ही नहीं। अगर बहन ने बोल दिया फिर आप कैसे सीखोगे? अब 400,000 ये कौन सा सिस्टम है? इंटरनेशनल। और इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा कहाँ लगता है? तीन के बाद, फिर से तीन के बाद, तो यहाँ तीन के बाद कॉमा लगाया और फिर तीन के बाद कॉमा। अब ये देखो, ये 100 का ग्रुप बन गया और ये ग्रुप 1000 का बन गया। तो अब देखो क्या ये करेक्ट है? अब देखो सही है क्या? यस सर। सही तो दिख रहा है, क्योंकि ये क्या बन गया? 400,000। तो दैट मींस उसका मतलब है कि हाँ, 400,000 में चार और पांच जीरो होंगे, यानी कि पहले फोर लिखेंगे और उसके बाद फाइव जीरो लिखेंगे। तो आपने 400,000 को ठीक से लिख लिया। ये तो हो गया, ये तो फर्स्ट, ये आधा सवाल हो गया। अब इस नंबर को इंडियन सिस्टम में पढ़ना है मैंने, कैसे पढ़ूंगा, क्या करूंगा, कौन बताएगा? बताओ कृष्णा। चलो कृष्णा को, 3 2 2 2 बताओ कृष्णा, कॉमा कहाँ लगेगा? सर पहले तीन के बाद, फिर दो के बाद, फिर दो के बाद। अरे कृष्णा से पूछा, उसको बोलने दो। सर टू के बाद, फिर टू के बाद, फिर टू के बाद। नहीं, पहले जब हम राइट से लेफ्ट जाएंगे, राइट से लेफ्ट जाएंगे, सबसे पहले तो थ्री के बाद कॉमा लगता है। वो तो दोनों में है, इंडियन हो या इंटरनेशनल, पहले तीन के बाद तो कॉमा लगेगा ही लगेगा। उसके बाद ये याद रखना है कि अगर इंटरनेशनल होगा तो तीन के बाद लगेगा, और अगर इंडियन होगा तो दो के बाद लगेगा। ये याद रखना है। अब हमको इंडियन के हिसाब से पढ़ना है, तो हम इसको दो के बाद कॉमा लगाएंगे। सर 4 लाख होगा। हाँ, लेकिन ये पहले ये समझ, ये याद रखना है, फिर गलती नहीं होगी, क्योंकि इंडियन के हिसाब से पढ़ना है। तो मैं थ्री, तीन के बाद कॉमा, फिर दो के बाद, उसके बाद फिर हम ग्रुप नेम्स लिखेंगे। ये नेम कौन सा है? ये तो 100 का है, ये वाला 1000 का, उसके बाद वाला मलन का, उसके बाद वाला लैक का होगा, क्योंकि इंडियन सिस्टम है लैक। देखो ये मैं फिर से एक बारी समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। ओके सर। जब हम नंबर लिखते हैं कोई, तो जैसे हमारे प्लेसेस हैं, तीन प्लेसेस के बाद हम कॉमा लगाते हैं, ठीक है, जब हम राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं। फिर तीन के बाद जो प्लेसेस होंगे हमारे, अगर इंडियन सिस्टम है, इंडियन, तो दो के बाद कॉमा लगेगा, यानी कि यहां लगेगा। अगर इंटरनेशनल है तो तीन के बाद लगेगा, इसका मतलब है कॉमा यहां नहीं लगेगा, एक और प्लेस के बाद। देखो पहले मैं प्लेसेस बनाते जाता हूं। इंडियन सिस्टम में तीन, दो, दो, दो,
को मैंने इंटरनेशनल के हिसाब से कॉमा लगाना है, तो पहला वाला तीन तो ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है वो दो के बाद नहीं है, वो तीन तीन के बाद है, तो फिर मेरा कॉमा, दूसरा कॉमा यहां नहीं लगेगा, यहां पे लगेगा, और फिर तीन के बाद यहां लगेगा। पहला ग्रुप 100 का इंटरनेशनल सिस्टम है, तो ये 1000 का ग्रुप में कितने जगह है, कितने पीसेस है, तीन। लेकिन अगर इंडियन सिस्टम है तब तो दो ही होंगे, क्यों, क्योंकि कॉमा तो दो के बाद लगेगा। फिर दो लाख और करोड़ इंटरनेशनल में लाख और करोड़ नहीं होता है, वहां पे 1000 के बाद मिलियन आता है और फिर बिलियन आता है। तो हमें ये याद रखना है कि इंडियन सिस्टम में 100, 1000 के बाद लाख और करोड़, ये तो मेरा इंडियन सिस्टम है। और इंटरनेशनल सिस्टम जो है, इंटरनेशनल उसमें 100 का ग्रुप सेम है, 1000 का भी नाम तो 1000 ही है, लेकिन तीन तीन प्लेसेस के बाद, तीन प्लेसेस का 1000 का ग्रुप बनता है। यहां पे तो इंडियन में तो केवल दो का बन गया था, उसके बाद 1000 के बाद इंटरनेशनल में लाख जो है वो नहीं होता है, उसके बदले होता है मिलियन, और वो फिर से तीन का ग्रुप होता है। और उसके बाद फिर तीन का बिलियन, तो ये कॉपी में लिखो, कैसे लिखेंगे हम, यहां पे तो यहां पे तो तीन जगहें होंगी 100 में, वो तीन जगह तो दोनों सिस्टम में होगी, इंडियन में भी और इंटरनेशनल में भी, लेकिन इंडियन में, चलो हम ऐसा करते हैं, इंडियन सिस्टम ऊपर लिखते हैं, ये तीन का ग्रुप, फिर तीन का ग्रुप, फिर कॉमा, तीन का ग्रुप, कॉमा, तीन का ग्रुप। अगर ऐसे में मैं इंडियन है या इंटरनेशनल है, सर इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, तो INT लिख देता हूं मैं, और इसके ग्रुप नाम है, ये तो 100 है, 1000, मिलियन, बिलियन, बिलियन, इंडिया में क्या है, पहले तीन प्लेसेस, वो तो 100 का ही है, उसके बाद कॉमा, फिर जैसे यहां पे 1000 में तीन जीरो है, इंडिया में केवल टू प्लेसेस, क्योंकि टू के बाद कॉमा लगेगा, और फिर से टू के बाद कॉमा लगेगा, और फिर से टू के बाद कॉमा लगेगा, और फिर से टू के बाद, और इसके नाम क्या होंगे, 100, 1000, लाख, 100, लाख और करोड़, करोड़। तो अब ये फर्क आपको दिखाई देगा,
जो ब्लू है वो इंडियन सिस्टम है, जो रेड है वो इंटरनेशनल सिस्टम है, याद रहेगा? यस सर। ये कॉपी में भी लिखो और दिमाग में भी लिखो। ओके सर। यहाँ पे तीन के बाद कॉमा, फिर दो के बाद, फिर दो के बाद, इंडियन सिस्टम। पेन से या पेंसिल से? किसी से भी लिखो। ओके सर। और इंटरनेशनल में तीन के बाद, फिर तीन के बाद, फिर तीन के बाद, और ग्रुप में सिर्फ थाउजेंड के बाद जो यहाँ एम है, एम का मतलब है मिलियन, और फिर जो तीन है उसका नाम है बिलियन। अब कभी गलती नहीं होगी, याद रहेगा? यस सर, याद रहेगा। अब कृष्णा, आपको समझ में आया कि नहीं आया? आपकी पिछली क्लास मिस हो गई थी। यस सर। ये भूलेगा तो नहीं? नहीं। अगर आप नहीं भूलोगे तो हम वापस इस पे जाते हैं। अब सवाल ये, मैं कर चुका हूं इसे। तो आप रुक जाओ। अब यहाँ पे फोर मिलियन, तो पहले हम फोर मिलियन को लिखेंगे। सर, चैट में लिख दो आंसर। हाँ लिख दो। सो यहाँ पे हमने क्या लिखना है? फोर मिलियन तो वर्ड्स में, इसको पहले फिगर में लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वर्ड्स में अगर लिखता हूं, मैं लिख रहा हूं फोर मिलियन, ठीक है? फोर मिलियन तो मिलियन देखने से ही आपको पता चलना चाहिए, अरे ये तो इंटरनेशनल सिस्टम की बात की जा रही है, और इंटरनेशनल सिस्टम में हमें याद है तीन तीन के बाद कौमा लगता है। तो पहले हम फोर मिलियन लिखते हैं, फिगर में लिखते हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा, ऐसे जीरो लगाऊंगा, जितने भी जीरो लगाओगे आप। अब हमें फोर मिलियन करना है, तो तीन तीन के बाद कौमा, तीन के बाद कौमा, फिर तीन के बाद, फिर तीन का, ये है थाउजेंड का और ये है मिलियन का। अब है फोर मिलियन, तो मिलियन वाला जो ग्रुप है उसमें केवल फोर है, तो हम यहां पे फोर लिखेंगे इस जगह पे। तो जब मैं यहां फोर लिखूंगा, जो लेफ्ट में जगह है इनको मैं मिटा सकता हूं। अब मेरा ये नंबर बन गया, यानी कि चार और छह जीरो। अब चार और छह जीरो को आपने मुझे बताना है कि इंडियन सिस्टम में हम कैसे पढ़ेंगे इस नंबर को। विशाल ने तो लिख दिया, ठीक है, अब बाकी मुझे बताएंगे इस नंबर को इंडियन सिस्टम में पढ़ के बताएंगे। सर सही है ना? हाँ। 40 लाख सर, 40 लाख। हाँ कैसे किया? आज मैं यहाँ पे हूँ, तुम अभी यहाँ पे हो। कैसे किया बताओ? सर उसकी उधर आवाज हो रही है। हाँ उसको म्यूट किया मैंने। बताओ कृष्णा, 40 लाख कैसे पता चला आपको? सर 40 मतलब पीछे तीन जीरो वो अने एक इधर 5 जीरो उसके लाख होगा, नहीं ये 4 सिस्टम में लिखना है। जब हमें सिस्टम बदलना है तो हमें, अरे क्या नाम है, मैंने कॉमा बदल, रयांश अपना माइक बंद करो, पीछे शोर मच रहे। जब हमें सिस्टम बदलना है तो हमें कॉमा बदलनी चाहिए, तो ये कॉमा मैं मिटाता हूं,
और अब इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाऊंगा, इंडियन सिस्टम में कहां पे लगेगा, तीन के बाद, सर एक कॉमा लगा फिर दो के बाद। तो अब देखो अभी थाउजेंड का तो ये वाला, ये तो हंड्रेड का ग्रुप है, थाउजेंड का तो ये दो बन गया, और थाउजेंड के बाद इंडियन सिस्टम लैक। सर आ गया। ये बार बार इसीलिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ बार बार, अभी हमने कितनी सारी क्लासेस इसी चीज में की, क्योंकि ये बाद में बच्चों को याद नहीं रहता है और फिर वो सर तीन चार क्लासेस इस पे ही गई है। हाँ लेकिन फिर वो छोटी सी गलती करते हैं, अगर मैं एक क्लास के बाद भूलना, अगर अब मैं बोल रहा हूँ 5 3 5 2 0 0, अब इस नंबर को मुझे लिख के बताओ, एक पहले इंडियन या इंटरनेशनल दोनों में, एक तो इंडियन सिस्टम में लिखो और इसी नंबर को, नंबर सेम है और इसी नंबर को इंटरनेशनल में भी लिख के बताओ। शाबाश, अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने कॉमा नहीं लगाए, जानबूझ के नहीं लगाए, कॉमा तो आपको लगाना है, वो ये काम तो आपको करना है। कौन बताएगा, करो जल्दी से, पहले कॉपी में लिखना है, अपनी अपनी कॉपी में इस नंबर को लिखो, फिर क्योंकि इंडियन सिस्टम में पहले लिखना है तो हमको कॉमा इंडियन सिस्टम के हिसाब से लिखना है, फिर इसी नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में भी कॉमा लगाना है, और फिर ग्रुप के हिसाब से आपको इनको नंबर नेम ये। सर हो चुका मेरा, क्या मुझे बताएं क्या नंबर है सर, मैं बताऊं, कृष्णा ने क्या किया है, एक मिनट कृष्णा का देखें, कृष्णा आपने इंडियन में जो कॉमा लगाया है ऊपर वाला, पहले तो तीन के बाद कॉमा लगाया वो तो ठीक किया, उसके बाद आपने एक सिर्फ एक ही पांच के बाद ही कॉमा लगा दिया, यानी कि इसको एक ही डिजिट बना दिया, तो उससे तो गलत हो गया, आपने कॉमा यहां लगाया और फिर पांच के बाद लगाया, यानी कि एक ही डिजिट के बाद कॉमा लगाया, तो ये तो गलत हो गया ना इंडियन सिस्टम। सर आई विल टेल, वेट, तो कृष्णा इसको फिर से ठीक करो इंडियन सिस्टम को। तो दूसरा और कोई अपनी कॉपी, विशाल अपनी कॉपी दिखाओ। ओके सर, दिखाओ अपनी अपनी कॉपी, दिखाएंगे मेरे को, तो काम तो कर रहे हैं। कौन दिखाएगा कॉपी, सर देखिए दिखा रहा हूँ, हाँ थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे कैमरा दूर रखो, थोड़ा ज्यादा नजदीक हो गया। इंडियन सिस्टम में हाँ अब ठीक किया, लेकिन अभी ऊपर टू, आपने यहाँ 200 के बाद ये कॉमा तो लगाया ही नहीं, पहला वाला जो 3 के बाद कॉमा है उसको ठीक करो ना इंडियन सिस्टम में, आपको दिख नहीं रहा होगा मैंने लगाया है, कहाँ लगाया है सर, ये 200 है उससे, हाँ लेकिन 200 देखो 200 के बाद कॉमा तो लगाया ही नहीं है, 2 के बाद कहाँ है कॉमा, 2 के बाद कॉमा है सर, है मेरे में तो दिख रहा है,
आपने तो 52 के बाद कोमा लगाया। अच्छा विशाल की, अच्छा विशाल का देख रहे हैं, नहीं मैं तो कृष्णा का देख रहा हूँ, ठहरो विशाल का देख, लगा आप मेरा देख रहे हो। हाँ सॉरी सॉरी एक मिनट ठहरो 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 हाँ गया अनपिन फ्रॉम मेन स्क्रीन, इसको अनपिन करने दिखाओ, थोड़ा दूर रखो कॉपी, एक मिनट को एक सर ये इंडियन 200 उसके बाद कोमा हाँ और फिर हाँ वेरी गुड 200 के बाद और इंटरनेशनल इंटरनेशनल 200 के बाद कोमा वेरी गुड। अब पहला वाला पढ़ो, देखो विशाल ने कहाँ पे कोमा लगाया, पहले यहाँ पे लगाया 200 पे, फिर दो के बाद यानी कि यहाँ लगाया कोमा, ये तो ठीक है। फाइव 535,200 तो इसको इंडियन के सिस्टम में हमने कैसे लिखा, ऐसे फिर पढ़ना आसान है 5,35,200 और इंटरनेशनल में हमने तीन तीन के बाद कॉमा लगाना है, तो ये तीन यहाँ पे। अब पहले हम इसको पढ़ेंगे, ये क्या हुआ, ये 100 का ग्रुप है, ये 1000 का ग्रुप है, तो पढ़ के सुनाओ इंटरनेशनल सिस्टम में। रुके सर, 535,200 हाँ। सो जब हम इसको वर्ड्स में लिखेंगे, जैसे मान लो मैंने अगर इसको वर्ड्स में लिखना है तो पहले मैंने इसको इसको क्या पढ़ना है, 535,000 ऐसे लिखना है, फिर 200 ओके, ये सबू ने किया, अब एक और सवाल देता हूँ। यस सर। अब इसको लिखो इंडियन सिस्टम में और इसी को इंटरनेशनल सिस्टम में। चलो